हेलो फ्रेंड्स, यह ज्योति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइनल डिस्चार्ज यानी सफेद पानी क्यों आते हैं और यूं प्रेगनेंसी के दौरान सफेद पानी आना कब तक सामान्य रहते हैं और कब खतरनाक बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल सेहत ज्योति को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं जो भी वीडियो डालूं उन सबकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम टू टाइम जाती रहे। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत सारे हार्मोनल चेंजिंग होते रहते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन को हमेशा एक नई समस्याओं के साथ गुजरना पड़ता है जब तक कि उनका बेबी बर्थ ना हो जाए। गर्भधारण करने के बाद से ही गर्भावस्था के पूरे 9 महीने उनके लिए पूरी तरह से चुनौती भरा होता है। एक बच्चे को सुरक्षित रूप से और सही सलामत दुनिया में लाने की पूरी जिम्मेदारी एक माँ की होती है। ऐसे में उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होते हैं तो वो काफी चिंतित और परेशान हो जाती हैं, जिसमें से एक कारण होता है सफेद पानी का आना। गर्भावस्था के दौरान सफेद पानी आने से भी प्रेग्नेंट वुमेन काफी घबरा जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं कि कहीं उनसे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को किसी प्रकार का कोई नुकसान न हो। और दोस्तों, उनका ये घबरा जाना एकदम उचित भी है, क्योंकि सफेद पानी का आना कुछ समय तक तो सामान्य रहता है, लेकिन एक ऐसा स्टेज भी आता है जब अत्यधिक सफेद पानी गिरे तो वो खतरनाक भी साबित हो जाता है उनके गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए। दोस्तों, ऐसे तो प्रेगनेंसी में सफेद पानी का निकलना काफी आम बात है, जो हर महिलाओं में लगभग नजर ही आते हैं, जिसे लुकेरिया भी कहा जाता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहले तिमाही में ये सफेद पानी एकदम पतला हल्का सा होता है। दूसरे तिमाही यानी सेकंड ट्राइमेस्टर में ये बदलकर थोड़ा गाढ़ा सा हो जाता है और तीसरे तिमाही यानी लास्ट स्टेज थर्ड स्टेज में पहुंचकर ये पानी गाढ़ा तो रहता ही है, साथ ही साथ थोड़ा मटमैला और ब्लड का मिश्रण लिए हुए भी होता है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि इसमें से कौन से पानी का निकलना प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है और जिसके निकलने से उन्हें अपने गर्भावस्था के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर हल्का पतला सफेद पानी आए या फिर हल्का गाढ़ा सफेद पानी आए और वो गंधहीन हो यानी उसमें से कोई बदबू ना आए, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सुरक्षित होते हैं। पर ये खतरनाक तब हो जाते हैं जब सफेद पानी के साथ साथ हल्का ब्लीडिंग भी होने लगे और उसमें से बदबू भी आने लगे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आपको चाहिए कि आप बिना देर किए डॉक्टर से मिलें। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सफेद पानी क्यों निकलते हैं। प्रेगनेंसी में सफेद पानी सर्वाइकल म्यूकस होते हैं, जो इन दिनों काफी सामान्य माने जाते हैं, और एक प्रेग्नेंट वुमेन में इस प्रकार की समस्याएं अधिकतर करके 6 to 9 months में ज्यादा होते हैं। हालांकि प्रेगनेंसी के दौरान सफेद पानी यानी इस तरह के सफेद पदार्थ निकलने से भ्रूण को काफी फायदे होते हैं, क्योंकि ये गर्भाशय ग्रीवा में किसी भी प्रकार के संक्रमित रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। वैसे तो ये सफेद पानी गर्भावस्था के पहली तिमाही में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हल्का पतला होता है और समय के साथ साथ गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी के पहली तिमाही से ही वेजाइनल डिस्चार्ज यानी सफेद पानी ज्यादा ही आ रहे हो तो आपको जरूर एक बार अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी के दूसरी तिमाही में जो वेजाइनल डिस्चार्ज होते हैं वो अंडे के उजले भाग की तरह नजर आते हैं। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरी तिमाही यानी सेकेंड स्टेज में पहुंचते हैं और आपको वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ हल्का ब्लीडिंग भी होते हैं, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात करते हैं तीसरी तिमाही, तो इस समय तक गर्भ में शिशु पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका होता है और शिशु जो अपना पोजीशन बदलता है यानी जब वो डिलीवरी पोजीशन में आ जाता है तो आप पाएंगे कि अधिकतर आपको 9 months में वाइट डिस्चार्ज यानी सफेद पानी आने की समस्याएं बढ़ जाती है। कारण ये होता है कि शिशु गर्भ में अपना डिलीवरी पोजीशन ले चुका होता है और वो पूरी तरह से गर्भ में बनकर तैयार हो चुका होता है, जिसके कारण शिशु के सिर के दबाव पड़ने से सफेद पानी का निकलना बढ़ जाता है। इसके अलावा 9 months में पहुंचने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि सफेद पानी के साथ साथ ब्लड के थक्के भी नजर आते हैं। हालांकि ये 9 months में तो सामान्य ही होते हैं, लेकिन अगर आपकी डिलीवरी डेट लंबी हो और ये चीज आपको पहले ही नजर आ रही हो तो आपको चाहिए कि आप एक बार जरूर डॉक्टर से मिलें। फ्रेंड्स, कई बार वेजाइनल डिस्चार्ज के कारण यूरिन इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, जिसके कारण आपको प्राइवेट पार्ट में खुजली, जलन, सूजन आदि हो सकते हैं और यूरिन पास करते समय काफी जलन भी हो सकते हैं। ऐसे में चाहिए कि आप बिना देर के अपने डॉक्टर से तुरंत मिलें और इसके लिए अपने से कोई दवा ना लें और ना ही कोई घरेलू उपचार करें। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ ऐसी बातें जो प्रेगनेंसी के दौरान आपका जानना जरूरी होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए प्रेगनेंसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।